हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन अपने चैनल। आप सभी का खूब स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में स्पेशली आपके लिए एक्सक्लूसिव वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों, इसके अंदर मैं आपको फ्लेवर्स बनाने का तरीका बताऊंगा दोस्तों, और फ्लेवर बनाने के तरीके से भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि आज की जो मैं फ्लेवर आपको बना के बताने वाला हूँ दोस्तों, वो है थम्सअप। जो बाजार में भी थम्सअप का जो फ्लेवर मिलता है, जो लोगों को आज की तारीख में बहुत पसंद है, पूरे इंडिया का पॉपुलर ड्रिंक है थम्सअप और स्प्राइट, उस टाइप का सेम टेस्ट और सेम रेसिपी वाला फ्लेवर आपको ये वीडियो में आपको बता के दिखाऊंगा दोस्तों कि फ्लेवर कैसे बनाया जाता है और कैसे उसको मशीन के अंदर गुजारा जाता है और बेस्ट क्वालिटी से उसको स्ट्रॉन्गनेस पावर वाला और टेस्टफुल कैसे बनाया जाता है। तो ये वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिएगा। और एक छोटा सा पिज्जा और छोटा सा शॉट आपको एक वीडियो, इसके अंदर बोतल कैसे बनी जाती है, जैसे कि ये पेट बोतल रहती है जो प्लास्टिक की बोतल है, पेट बोतल ये कैसे बनाई जाती है बोतल, इसकी भी मैं आपको पूरी वीडियो एक शॉट के अंदर 30 से 40 सेकंड का एक शॉट वीडियो के साथ में आपको ऐड करके बताऊंगा कि ये बोतल कैसे बनाई जाती है। इसका बोतल का हमारा खुद का डॉल्फिन अप्लायंस कंपनी का खुद का ब्लॉक मोल्डिंग मशीन है, हम खुद ये बोतल प्रोडक्शन करते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे कि फिलहाल हमने इसके अंदर जीरा मसाला और ऑरेंज का फ्लेवर बना के रखा हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें जीरा मसाला, इसमें ऑरेंज है और उसका बोतल भी हमने भर के रखा है। जैसे एक में जीरा मसाला है, एक में ऑरेंज भर के रखा है और एक में प्लेन सादा सोडा है। ये इतना पैकिंग वाला बोतल है क्योंकि इसके अंदर फुल स्ट्रॉन्ग सोडा है। आपको मैं खोल के ओपन करके बताता हूँ इसको सोडा को, आप देख सकते हैं इसको सोडा है, जीरा मसाला का फ्लेवर है, ये सील टूट जाएगा इसका, आप देखिए पूरा सील टूट चुका है इसका पूरा, इसका सील इसके साथ रहा है, ढक्कन हाथ में रहा है। ये जीरा मसाला का फ्लेवर है, उसके बाद ये ऑरेंज का फ्लेवर है, आप देख सकते हैं। ये भी मैं आपको खोल के बताता हूँ, आप देख सकते हैं इसका क्वालिटी देखिए आप, इसको स्ट्रॉन्गनेस पावर देखिए इसका, इसका जो उबाल आ रहा है वो आप देखिए इसके। उसके बाद हमारा तीसरा फ्लेवर है प्लेन सादा सोडा है, जो किन्नी लहर बुस्टर टाइप का सोडा रहता है, सादा सोडा है, आप देखिए इसका जो बबल सा रहा है बॉडी में पूरा, आप देखिए चारों साइड, इसको भी मैं नीचे डाल के आपको बता दूं उसका स्ट्रॉन्गनेस चेक करवाने के लिए, इसका उबाल देखिए नीचे, देखिए पूरा। तो वैसे ही हम ये मशीन के अंदर जैसे जीरा मसाला में आपको एक बोतल भर के भी बताता हूँ कि इसके अंदर सबसे पहले आपको एक प्लेन सादा सोडा लेना है, इसके अंदर एक प्लेन सादा सोडा है इसके अंदर, उसके बाद यहाँ से जीरा का फ्लेवर लेना है आपको, ये जीरा का फ्लेवर है, जीरा मसाला निकल रहा है इसमें, आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे लगाना है ढक्कन, ये कैप हो गया, बोतल तैयार है, इसको स्टिकर लगा दो, अपना कोई भी ब्रांड है उसका आप स्टिकर लगा दो और बंच का पैकिंग बना के मार्केट में छोड़ दो, और कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ये सेम प्रोसेस है, सेम सिस्टम से आपको सोना का फ्लेवर बनाना है, इज अ फॉर हमारे क्वालिफिकेशन और हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और क्वालिफिकेशन और हमारी रिक्वायरमेंट, हम जो कस्टमर को व्हाट्सएप में कैटलॉग शेयर करते हैं, यूट्यूब में दिखाते हैं, ये हमारा कैटलॉग है जो हम कस्टमर को बताते हैं कि हमारे ये मॉडल्स अवेलेबल है बाजार में, जो मिनी प्लांट है 1+2, 1+3, 2+2, ये 2+2 का प्लांट है जो यहाँ पर मैं आपको लाइव डेमो दे रहा हूँ, ये प्लांट है उससे छोटा 1+3, उससे छोटा 1+2 है, और ये हैवी प्लांट है, जम्बो प्लांट है, डबल चिलर सिस्टम वाले प्लांट है, और ये वाले ऑटोमेटिक प्लांट है, आप देख सकते हैं पूरे जो यहाँ पे सब पड़े हुए हैं, ऑटोमेटिक प्लांट है 2 हेड का, ऑटोमेटिक प्लांट 4 हेड का है, सब यहाँ पे प्लांट अवेलेबल है। तो दोस्तों जैसे कि हम बताते हैं हमारे कॉस्टिंग के हिसाब से, आप देख सकते हैं हमने जो कॉस्टिंग बताया हुआ है, 200 ml का बोतल बनाने का खर्चा आपको 4 रुपए 80 पैसे में एक बोतल तैयार होता है, जिसके अंदर
₹3.10 का खाली इम्प्टी बोतल ढक्कन के साथ मिलेगा आपको। फ्लेवर शुगर वाटर एंड CO2 मिला के 80 पैसे का होता है। श्रिंक लेबल एंड श्रिंक पैक 40 पैसे का खर्चा जो बोतल के ऊपर लेबल लगता है उसका है। लेबर हाउस रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी 50 पैसे है, 50 पैसे का खर्चा है। टोटल मिला के ₹4.80 में आपको 200 ml का बोतल लेंड जाता है। अभी बता तो दिया दोस्तों आपको कि ₹3.10 में बोतल मिल जाएगा आपको, ढक्कन के साथ में बोतल मिलेगा ₹3.10 में। लेकिन कई जगह पे बोलते पूछे जब आप बाजार में लेने जाते हो तो बोतल आपको ₹3.50, ₹4.50 का बोतल मिलता है ढक्कन के साथ में। लेकिन हमारी कंपनी ने खुद की ग्लोम होल्डिंग कंपनी, हम खुद इसको बोतल बनाते हैं दोस्तों। हमको कोई बाजार से बोतल लेने का जरूरत नहीं है दोस्तों, हमारी खुद की प्रोडक्शन की फैक्ट्री है बोतल की। अगर आपको बाजार में कोई ₹3.10 में बोतल या ढक्कन मिला के नहीं देता है दोस्तों, तो हम आपको देने के लिए तैयार है दोस्तों। हम आपको बोतल और ढक्कन ₹3.10 में, जो हमने इसके अंदर लिखा है, लिखा हुआ है कि ₹3.10 में बोतल और ढक्कन मिलेगा, अगर कोई नहीं देता है तो हम आपको देने के लिए तैयार है, बंधे हुए। हमने जो जबान दिया उसके ऊपर हम आपको चीज देंगे दोस्तों, ठीक है। अभी ये चीज तो हो गया कंप्लीट। अभी मैं आपको फ्लेवर बनाने का तरीका बता दूं दोस्तों। जैसे कि अभी बाजार में पॉपुलर फ्लेवर है थम्सअप, आप खुद पीते होगे, हम भी पीते हैं, आपने भी खुद ने पीते होगे बाजार में जो थम्सअप, हर एक गांव में, हर एक शहर में, हर एक मोहल्ले में थम्सअप का फ्लेवर और बोतल मिलता है। आप भी पीते होगे, ₹20 का बोतल बाजार में मिलता है। तो वो थम्सअप का सेम रेसिपी, उसके जैसे टेस्ट का रेसिपी हमने बनाया हुआ है, जो यहाँ पे फ्लेवर पड़ा हुआ है इसका थम्सअप का, आप देख सकते हैं पूरा थम्सअप टेस्ट का रेसिपी है। और इस साइड हमारे पास स्प्राइट टेस्ट का रेसिपी है, स्प्राइट टेस्ट का है। अब इसके सबसे पहले हम थम्सअप टेस्ट का रेसिपी आपको बनाएंगे। और हाँ दोस्तों, ये फ्लेवर हम आपके लिए बना रहे हैं दोस्तों। आपको अगर घर बैठ के इसको टेस्ट करना है कि थम्सअप के जैसा टेस्ट है या नहीं है, स्प्राइट के जैसा टेस्ट है या नहीं है, फेंटा का टेस्ट है या नहीं है, जीरा का टेस्ट है या नहीं, तो आप घर बैठे हमारे से सैंपल मंगा सकते हो और घर बैठे फ्लेवर को टेस्ट कर सकते हो दोस्तों। अभी हम इसके अंदर जो हमारा फ्लेवर है थम्सअप का ऐड करेंगे, इसमें आप देख सकते हैं इसके अंदर लगा देंगे। ऑलरेडी हमने वाटर और चीनी पहले से मिक्स करके रखा हुआ है इसके अंदर हमने, ये हो गया इसका लिक्विड। अभी इसके अंदर इसका डालेंगे एसेंस, जो पाउडर रहता है वो डालेंगे, इसका इंटीग्रेंट पाउडर है इसका। हमारी कंपनी डॉल्फिन अप्लायंस आपको डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर जो बाजार में ज्यादा पॉपुलर है, हमारे पास दूसरा, इसके पहले भी हमने वीडियो डाला था रेडबुल टेस्ट, रेडबुल टेस्ट भी हमारे कस्टमर को हमने दिया हुआ है, सेम कॉपी टेस्ट है हमारे पास रेडबुल का भी। अब देख सकते हैं हमने पाउडर डाल दिया इसमें। यहां से बटन दबा के मशीन को स्टार्ट करेंगे, जब देख सकते हैं स्टार्ट हो चुकी है मशीन। अभी ये फ्लेवर तैयार हो चुका है, अभी इसके अंदर फिलअप करेंगे, फ्लेवर को डालिए इसमें और ये डालेंगे इससे, आप देख सकते हैं गन्नी है हमारे पास और डालने के लिए गन्नी है, इससे हम अच्छे से इसको गाल के भर देंगे इसमें। उसके बाद हम इसका जो पाउडर रहता है पाउडर डाल देंगे इसके अंदर। तकरीबन इसको 2 मिनट तक चलने देंगे इसको 2 मिनट के अंदर एरामुल्टी शुगर है पानी है अच्छे से पूरा मेल्ट हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। उसके बाद ऐसे बाउल में फिलअप करेंगे, जैसे ऑलरेडी इसमें हमने आप देख सकते हैं कोला टाइप का फ्लेवर फिल किया है, जैसे थम्सअप का टेस्ट है उस टाइप का फ्लेवर है। उसके बाद यहाँ पे ऑरेंज का फ्लेवर है, एक जीरा मसाला का है और एक स्प्राइट का है, चौथा फ्लेवर भी तैयार हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे।
वही हिसाब से हमें दोनों फ्लेवर आपको उधार के मशीन के अंदर सप्लाई करके आपके लिए सैंपल टेस्ट तैयार करके आपको बताते हैं कि कैसा क्वालिटी बनता है इसका, कैसा टेस्ट बनता है। स्प्राइट जैसे टेस्ट का फ्लेवर बनकर तैयार है। अभी हमें बाउल में फिलअप करेंगे, भरिए इसको। बाउल जो हमने लिया है उसके अंदर हम फिलअप करेंगे इसको, आप देख सकते हैं। अभी हम इसको मशीन के अंदर से बाईपास करके मशीन में से गुजार के आपको फ्लेवर का बोतल भर के बताएंगे इसको। अभी हमने फ्लेवर्स भर दिया इसके अंदर, अभी इसको बाउल में रख दीजिए। एक में हमने स्प्राइट का फ्लेवर है और एक में थम्सअप का है। ये जो फ्लेवर का जो इसमें ऑरेंज का लाइन है आप देख सकते हैं, पहले ये ऑरेंज का लाइन जा रहा है इसके अंदर से। अभी हम इसको वाटर से थोड़ा क्लीन करेंगे इसको, अलावा बाउल अभी पहले जो पुराना फ्लेवर है इसको चेंज करेंगे, क्योंकि फिलहाल इसके अंदर से ऑरेंज निकल रहा है। जैसे कि मैं आपको ऑरेंज का बोतल भी भर के बता देता हूँ, आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ सोडा फिल अप करेंगे, ये सोडा फिल हो रहा है इसके अंदर, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑरेंज है, आप देख सकते हैं ऑरेंज। जैसे ऑलरेडी हमने इसमें ऑरेंज का फ्लेवर लगा के रखा है, अभी फ्लेवर को हम चेंज कर रहे हैं। ऑरेंज की जगह हम स्प्राइट लगा रहे हैं, जीरा की जगह कोला को लगा रहे हैं इसके अंदर। ये ऑरेंज का फ्लेवर बनके तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। अभी हम लाइन को क्लीन करेंगे, क्योंकि इसका जो लाइनिंग है हमने पानी में डाल दिया नोजल को, इसके लाइन को जितना ऑरेंज पड़ा है लाइन में उतना ले लेंगे पहले। जब तक पानी नहीं आता है तब तक हम इसको निकालते रहेंगे, आप देख सकते हैं। पूरा -2 का टेम्परेचर भी आ गया यहाँ पे, हम देख सकते हैं। जो एक प्रॉपर सिस्टम है सोडा भरने के लिए, इसका एक सिस्टम है पूरा। पानी जाना चालू हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे धीरे धीरे कलर चेंज हो गया इसका। अभी स्प्राइट में लाइन दे दो, स्प्राइट बना के दे दो, एनी वाली ऑरेंज वाली हम स्प्राइट में लगा देंगे लाइन को, आप देख सकते हैं। अभी इसमें से पानी पहले लाइन में आएगा, जितना पानी है उतना उसके बाद स्प्राइट लाइन में आ जाएगा। वही हिसाब से यहाँ से हमने जीरा की जो लाइन है उसको क्लीन कर देते पहले। आप देख सकते हैं जीरा का फ्लेवर आ रहा है पहले इसमें। जीरा का फ्लेवर खत्म होने आया है, देख सकते हैं। अभी इसमें से पानी लाइन आ जाएगा, पानी आना चालू हो गया, देखिए। ये इसका वॉशिंग प्रोसेसिंग है, आपको वीडियो में ही बताया जाएगा कि वॉशिंग कैसे, ये वीडियो प्रोसेसिंग है इसका वॉशिंग के लिए। अभी हम इसको डालेंगे कोला की लाइन में, कोला की लाइन में डाल दो इसका। ये कोला की लाइन में डाल दिया, अभी इसमें लाइन में से हम कोला ले लेंगे। लिक्विड आ चुका है इसके अंदर स्प्राइट का, क्योंकि पानी कलर का इसलिए मालूम नहीं पड़ेगा आपको, इसलिए इससे मालूम हो जाएगा आपको कि लिक्विड आ चुका है इसमें। धीरे धीरे लाइन आना चालू हो गया, देख सकते हैं थोड़ा का, देख सकते हैं पूरा। ये आपका लाइन कंप्लीट हो चुका है, लाइन में पूरा फ्लेवर फिलअप हो चुका है इसके अंदर। एक में आपका हो गया थम्सअप टेस्ट का कोला फ्लेवर और दूसरे में हो गया है स्प्राइट टेस्ट का लाइम अप फ्लेवर।
अभी हम इसको आपको दोनों का बोतल भी भर के बताएंगे, इसका थोड़ा सेटिंग हम बढ़ा देंगे, इसका एप्लायंस थोड़ा फिलअप होगा सबसे पहले, आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा फिलअप हुआ है, उसके बाद हम इसमें फ्लेवर डालेंगे, इसका कोला का जो फ्लेवर है कोला टेस्ट का, फ्लेवर फिलअप करेंगे, आप देख सकते हैं कोला टेस्ट का फ्लेवर फिल हो चुका है। उसके अंदर अभी हम यहाँ पे ढक्कन कैप करेंगे इसका, यहाँ पे ढक्कन का कैपर मशीन है, ये आपका हो गया थम्सअप कोला, थम्सअप टेस्ट का कोला का फ्लेवर, सेम टेस्ट लगेगा आपको, आपको ऐसा लग रहा है जैसे थम्सअप या पी रहे वैसा सेम टेस्ट लगेगा। अगर चेक करना है एक बार, आपको इसको टेस्ट करना है तो एक बार जरूर मंगाइए हमारे से, सैंपल टेस्ट मंगाइए इसका। उसके बाद हम दूसरा फ्लेवर है जो स्प्राइट टेस्ट हमने आपको बताया, उसको भी आपको भर के दिखाएंगे, वो ट्रांसप्लांट कितना दिखता है, पानी के जैसा कैसे दिखता है। हमने पहले इसमें प्लेन सोडा फिलअप किया, उसके बाद यहाँ पे स्प्राइट फिलअप करेंगे, आप देखते हो फिलअप हो रहा है इसके अंदर। ये फिलअप हो चुका है कंप्लीटली, ये आपका स्प्राइट फ्लेवर तैयार है, इसको भी हम यहाँ पे कैपिंग कर देंगे इसको। ये आपका फ्लेवर हो गया तैयार, ये स्प्राइट स्प्राइट टेस्ट है, इसको ट्रांसप्लांट बोलते हैं, इसका कलर जो रहता है पूरा ट्रांसप्लांट है। इसको अगर आपको स्प्राइट टाइप की बोतल में भी भरना है तो नीले कलर की भी बोतल है हमारे पास, बोतल आपको दे दीजिए। ये स्प्राइट टाइप की जो स्प्राइट ड्रिंक मिलता है बाजार में, इस टाइप की बोतल मिलती है नीले टाइप की, आप देख सकते हैं। ये बोतल के अंदर भी मैं आपको भर के बताता हूँ उसको, पहले प्लेन सोडा फिलअप हो रहा है, उसके बाद हम यहाँ से स्प्राइट को फिलअप करेंगे, आप देख सकते हैं स्प्राइट फिल हो रहा है इसमें, फिलअप हो गया तैयार है। अभी इसको हम ढक्कन यहाँ पे लगाएंगे, ये क्या हो चुका है, ये आपका इसके ऊपर स्टिकर लगाओ, बंच का पैकिंग बनाओ और मार्केट में छोड़ दो, ये आपका बोतल फाइनल प्रोडक्ट तैयार है दोस्तों, और बेहतरीन क्वालिटी का 100% सक्सेसफुल मशीन के अंदर से निकाली गई प्रोडक्ट और 100% प्योर और सिक्योर रेसिपी से बनाई गई फ्लेवर दोस्तों। बाजार में इस टाइप का अगर आप ड्रिंक रखते हो दोस्तों तो इंस्टेंट आपका बाजार में मार्केटिंग हो जाता है, इसको मार्केटिंग करने का जरूरत नहीं, क्योंकि जो भी आदमी एक ड्रिंक गुड पिएगा और दोबारा 10 लोगों को बताएगा मार्केटिंग करेगा इस चीज का, क्योंकि जब क्वालिटी इंपॉर्टेंट होगा, टेस्ट आप देंगे लोगों को, क्वालिटी देंगे तो लोग सामने से इकट्ठा होगा, सामने से आएंगे आपके पास, और हम आपको ऐसा रेसिपी देंगे कि इसके अंदर आपको 100 डेज का बेस्ट बिफोर मिलेगा, 100 दिन तक फ्लेवर को कुछ नहीं होगा, ऐसा हम आपको रेसिपी बना के देंगे इसके अंदर। जैसे मार्केट में बहुत सारा ड्रिंक मिलता है बाजार में जो 20 दिन 25 दिन एक महीने के अंदर खराब हो जाता है, बोतल दब जाता है, खराब हो जाता है, छारी जम जाता है ऊपर, ऐसा सब दिक्कत आता है, लेकिन हमारा ड्रिंक हम जो आपको रेसिपी देंगे और अगर हमारी मशीन के अंदर से गुजार के सप्लाई करके निकालेंगे दोस्तों, तो आपको इसका 100 डेज का बेस्ट बिफोर रहेगा, और आज जो फ्लेवर आपने बनाया वही टेस्ट आपको 100 दिन के बाद वही सेम क्वालिटी सेम टेस्ट मिलेगा दोस्तों। और इसके अंदर बहुत सारे हमारे पास मॉडल है, अगर आपको स्टार्टअप ली छोटी सी जगह पे चालू करना है, 10 फुट बाय 10 फुट के एरिया के अंदर अगर आपको चालू करना है तो भी आप छोटा प्लान ले सकते हो, अगर आपका बड़ा बजट बड़ा है, आपको बड़ा प्लान लगाना है, 100% सक्सेसफुल प्लान लगाना है, बड़ी जगह है आपके पास, रोजाना आपको 20,000, 30,000, 50,000 बोतल का प्रोडक्शन करना है, तो वो सबका प्लान हमारे पास अलग अलग मॉडल सब प्लान अवेलेबल है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह के बॉटलिंग प्लान की ज्यादा जानकारी ज्यादा डिटेल्स के लिए वीडियो के अंदर दिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करके हर एक डिटेल जानकारी फंक्शन दे सकते हो दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो एक बार इसको लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग डॉल्फिन अप्लायंसेस।